नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं राम धीरज मिश्र शास्त्री। भगवान गणपति का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें, विघ्न विनाशक भगवान गणपति से प्रार्थना करें, हम लोगों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। गजाननं भूति गणादि सेवितं कपीथजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजं। ओम भूर्वस्वः भगवते गणाधिपतये नमो नमः। आवाहनी स्थापयामि, पूजयामि, नमस्करोमि। भगवान गणपति की प्रार्थना के पश्चात हम लोगों को भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि जो पितृपक्ष है वह भगवान शिव से प्राप्त है। भगवान शिव ही सर्व दाता हैं, सर्व गृहीत्वा हैं, सर्व पालन करता हैं। पितृपक्ष में भगवान शिव का सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि भुक्ति और मुक्ति के दाता भगवान शिव ही हैं। इसलिए पितृपक्ष में भगवान गणपति के बाद भगवान शिव का पूजन करें, भगवती का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात एक पवित्र पात्र में शुभ जल, स्वच्छ जल रख लें। जल में चंदन, अक्षत, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, मधु आदि पदार्थ डाल लें, तथा कुश की यदि संभव हो तो पैंती धारण करें। उसके पश्चात आप सर्वप्रथम ऋषियों को जल दें। 7 बार ऋषियों को जल देने के पश्चात 11 बार भगवान सूर्य को जल दें। 11 बार भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात आप 11 या 16 बार भगवान पितृदेवताओं को जल दें। जब पितृदेवताओं का तर्पण हो जाए, जल दे दें, उसके पश्चात वह पवित्र जल स्वच्छ वृक्ष के या पवित्र स्थान पर डाल दें, जहाँ पर वह उसकी पवित्रता बनी रहे। उसके पश्चात हम लोगों को चाहिए कि पवित्र स्वच्छ भोजन बना के भगवान शिव, गणपति आदि भगवान देवी देवताओं को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात पितरों के निमित्त एक पवित्र स्वच्छ भोजन निकालें। भोजन निकालने के पश्चात हमें गाय, कावा, कुत्ता इत्यादि के लिए भोजन निकाल दें, वह दे दें। देने के पश्चात ब्राह्मण, कन्या, निर्धन लोगों को भोजन कराएं। यदि आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधव, सखा इत्यादि हैं, उनको भी भोजन कराएं, अति उत्तम रहेगा। भोजन कराने के पश्चात पितरों के लिए पवित्र वृक्ष का रोपण जरूर करें, क्योंकि जब पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं तो वह पवित्र वृक्षों पर ही वास करते हैं, क्योंकि पितरों के निवास स्थान पवित्र मंगलकारी वृक्ष ही होते हैं। जैसे शास्त्र में आता है, यदि ब्राह्मण है तो उसके लिए पीपल का वृक्ष लगाना उत्तम है। यदि क्षत्रिय है तो वह नीम या बरगद का वृक्ष लगाए, उसके लिए अति उत्तम होता है। तथा वैश्य के लिए यह कोई भी वृक्ष लगाए, जो भी वृक्ष संभव हो, आंवला, पीपल, नीम, बरगद, गूलर, वह उत्तम माना जाता है। तथा शूद्र के लिए संपूर्ण वृक्ष प्रजाति उसके लिए उत्तम है। जो संभव हो उन वृक्षों का रोपण करें, तथा वह वृक्ष निरंतर वहाँ पर बना रहे और अपनी संपूर्ण आयु चलता रहे, ऐसे स्थान पर वृक्ष लगाएं। तथा शास्त्र में चारों वर्णों के लिए पितृ का समान
विधान है, कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए चारों वर्णों को चाहिए कि पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए सदैव आदर भाव के साथ उनका सम्मान करें तथा उनका तर्पण करें, पूजन करें, उनके निमित्त यज्ञ होम आदि कार्य करें। क्योंकि जिस समय पितृपक्ष में जब हम यह कार्य करते हैं तो सीधे पितरों को प्राप्त होता है। यदि हम देवता की भी पूजा करते हैं तो वह देवता की भी पूजा पितरों को प्राप्त होती है। इसलिए पितरों की पूजा करें, ऋषियों की पूजा करें, देवी देवताओं की पूजा करें, अपने कुल की देवी देवताओं का पूजन करें, जितने भी आपके अभीष्ट देवता हैं उनका पूजन करें। यदि आप दीक्षित हैं, गुरु मंत्र लिए हुए हैं, तो गुरु का भी पूजन करें, क्योंकि गुरु ही शास्त्र सम्मत भाव सागर को पार करने के लिए सबसे उत्तम सहारा होता है। परमात्मा के बाद गुरु ही एक ऐसा है जो आपको सदगति देने में समर्थ रखता है। इसलिए गुरु का पूजन करें, वस्त्र अलंकार आदि जो भी संभव हो वह गुरु के चरणों में समर्पित करें तथा श्रद्धा भाव के साथ गुरु को आदर पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात गुरु से प्रार्थना करें कि हे सद्गुरु देवता, आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से हमारे यहाँ सर्वत्र मंगल है, शुभ है। यदि हम गुरु को आदर भाव के साथ, प्रेम के साथ, सम्मान पूर्वक गुरु के अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, तो पितृ भी संतुष्ट होते हैं, देवता भी संतुष्ट होते हैं, कुल के देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं तथा जो प्रकृति है वह भी हमारे अनुकूल आती है और हमें संतुष्ट करती है और चौदिश मंगल ही मंगल होता है। यदि गुरु का कोई आशीर्वाद, गुरु का कोई वचन हमें प्राप्त हुआ है तो उसका पालन करना चाहिए। यदि हम उसका पालन करते हैं तो निश्चित है कि भव सागर में संपूर्ण चीज़ें प्राप्त होने के बाद अंत में मुक्ति भी प्राप्त होती है, इसमें लेस मात भी संदेह नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पितृपक्ष में संपूर्ण धार्मिक यजन करें, पूजन करें और अपने मन वाणी के द्वारा किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं। क्योंकि किस रूप में परमात्मा आता है, पितृ आता है, यह हम लोगों के समझ के परे है। इसलिए संभव हो तो अपने मन वाणी विचारों के द्वारा सदैव सात्विक धार्मिक प्रवृत्ति से बने रहें और हम लोगों को सदैव ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और अपने कर्तव्य पर निष्ठा होनी चाहिए। जिस दिन हम अपने कर्तव्य को निष्ठावान रहेंगे और अपने विचारों को सात्विक प्रवृत्ति में रखेंगे, हमारा सदैव शुभ होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दीर्घजीवी होंगे, पितरों के शुभ आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।